जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। कल हम बताए थे फंडामेंटल यूनिट्स, मूलभूत इकाइयाँ, जिसमें हम बताए थे क्या मैकेनिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट और थर्मल यूनिट। जिसमें आपको मैकेनिकल यूनिट और इलेक्ट्रिकल यूनिट आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो सेशन बचा हुआ वो किस पे होगा? थर्मल यूनिट पे। तो चलिए आइए देखते हैं उसमें इकाइयां, थर्मल यूनिट। ठीक, यहां पे लिख देते हैं थर्मल यूनिट, उसमें इकाइयां। तो थर्मल यूनिट में हम बताए थे क्या उष्मीय ऊर्जा, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा, संवेदी ऊर्जा, उष्मा और गुप्त उष्मा। ठीक, इतना हम बता चुके थे। तो इसमें देखिए उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है। तो थर्मल एनर्जी क्या होगा? थर्मल एनर्जी मान लीजिए कि अगर आप कोई भी वायर है, कोई भी चालक तार है, उससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, कुछ प्रतिरोध भी होगा जो कि उसको रोक रहा होगा। कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर तीन प्रकार का होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक, तो सब में किसका योगदान होता है? रेसिस्टेंस का। अगर रेसिस्टेंस कम है तो कंडक्टर कहलाता है, रेसिस्टेंस अगर उससे ज़्यादा है तो सेमीकंडक्टर कहलाता है। बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, करंट पास होने दे ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो ये क्या कंडक्टर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस इसमें भी है ना, कुछ ना कुछ तो विरोध कर रहा है करंट का। तो जब विरोध कर रहा है, प्रतिरोध करंट पास करने से, तो उस प्रतिरोध के कारण क्या होता है? वायर में, चालक में कुछ उष्मा उत्पन्न होता है। क्यों? रुकावट के कारण, बाधा के कारण कुछ उष्मा उत्पन्न होता है पथ में विरोध के कारण। और जो उष्मा उत्पन्न होता है तो इसे उष्मा के कारण क्या होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा। क्योंकि हम लोग क्या देते हैं, उष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊपर पढ़े थे ना, उष्मा क्या? ऊर्जा का एक रूप है। और जब उष्मा उत्पन्न हो गया, ठीक ना, तो इंडक्टर में हमको क्या हुआ? ऊर्जा तो मिल ही गया ना। तो जो उष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय ऊर्जा। तो ये कहते हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उपस्थित प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ अपच करेगा प्रतिरोध, तो उष्मा उत्पन्न होगा। और कहते हैं इसी उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो उष्मीय ऊर्जा को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एच बराबर क्या? वी आई टी। वी आई टी क्या हुआ? मान लीजिए कि एक चालक है, कंडक्टर है ये। ठीक, तो इसमें क्या है? दो दो बिंदुओं के बीच में क्या है? विभवांतर है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच में तालक चार है, इसका दो छोर है, दो छोर के बीच में कुछ तो भी बांध कर होगा। इसका यहाँ का मान लीजिए कि वी वन है वोल्टेज का मान, यहाँ पे क्या है? वी टू का मान। वोल्टेज का कुछ तो अंतर होगा। और करंट का फॉलो करता है जब दो बिंदु के बीच में वोल्टेज का अंतर हो, है ना। तो यहाँ वी वन है, यहाँ वी टू है, वोल्टेज का अंतर है, तब यह करंट फॉलो होगा। इसमें आई करंट फॉलो किया करेगा ना। और जब आई करंट फॉलो किया तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो समय लगा होगा। जो भी समय लगा था उसको हम लोग क्या मान लेंगे? टी समय लगा है। ठीक, तो देखिए आपका है हीट। क्योंकि हम क्या जाने हैं कि अगर कोई भी चालक तार में कुछ समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, इतना तो हम सीखे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो गो बिंदु है, यहाँ पर वोल्टेज का मान V1 था, यहाँ पर वोल्टेज का मान V2, दो वोल्टेज का मान हो गया।
अब वोल्टेज का डिफरेंस होता है तभी उस पथ में क्या होता है, करंट फॉलो करता है, करंट फॉलो कर गया। अब इतने का तो खेला जानना था कि जैसे वायर में करंट फॉलो कर जाएगा उसमें उत्पन्न होगा, तो टी समय तक अगर फॉलो हुआ करंट कोई वायर में तो देखिए वी आई टी, तो उसमें तो उत्पन्न हो जाएगा, उसमें उत्पन्न करा दिया ना, उसमें उत्पन्न हो गया। अब देखिए कहिएगा कि सर आप बोल रहे थे कि रेसिस्टेंस के कारण उत्पन्न होता है, बोल रहे थे ना कि सर आप बोल रहे थे कि उपस्थित प्रतिरोध रहता है उसके कारण उसमें उत्पन्न होता है, या तो सर प्रतिरोध ही नहीं था उसमें उत्पन्न हो गया, कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ देखिए हम जैसे क्या लिए हैं, वायर लिए हैं, अगर वायर लिए हैं तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहना ही रहना है, ठीक। तब हम क्या करेंगे, देखिए आपको इससे पहले फॉर्मूला पढ़वाए थे, वी बराबर आई आर बताए थे ना, तो जब वी बराबर आई आर बताए थे, ठीक, वी बराबर आई आर जब बताए हैं तो यहाँ वी बराबर पुट कर दीजिए, आई आर वी के बराबर में आई आर पुट कर दिए ना, तो क्या हो गया आई आर, यहाँ आई तो था ही तो आई लिख दिए और गुने टी। अब देखिए क्या हो गया, आई गुने आई आई स्क्वायर आर टी, देखिए रेसिस्टेंस आ गया ना, कोई पथ में क्या हुआ करंट फॉलो किया, और जब करंट फॉलो किया तो पथ का कुछ रेसिस्टेंस था और कुछ देर तक प्रवाहित हुआ धारा, तो क्या हुआ आई स्क्वायर आर टी, इसके बराबर भी क्या होता है हीट, यानी कि उष्मा होता है इसके बराबर भी, तो उष्मा ऊर्जा प्रवाह प्राप्त हो रहा है। आप देखिए फॉर्मूला यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि अब यहाँ आई बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, जब आई इधर गुना में था तो इधर भागम हो जाएगा, आई बराबर भी बटे आर, ठीक। यहाँ देखिए हम पुट कर दें किसका मान, आई का मान पुट कर दें भी बटे आर, तो यहाँ आई का स्क्वायर था तो यहाँ भी का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा, अब गुने आर गुने टी, तो देखिए आर से आर कट जाएगा तो नीचे दो आर था एक आर बच, तो क्या हो जाएगा बराबर भी स्क्वायर बटे आर अगुने टी। देखिए आई के फंक्शन में भी और भी के फंक्शन में भी आर प्रेजेंट है ना, तो जब भी उसमें उत्पन्न होगा, ठीक ना, किसी भी कंडक्टर में, तो इतना जान लीजिए कि उसमें रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तभी उसमें उत्पन्न हुआ, और कोई भी कंडक्टर है उसमें नेग्लिजेबल रेसिस्टेंस रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए तो उसमें ऊर्जा के बारे में तो जान गए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में प्रतिरोध उत्पन्न उपस्थित रहता है, और उसी प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, और उसी और उष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हम क्या कहते हैं उष्मीय ऊर्जा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उष्मा खुद एक ऊर्जा का रूप है, ठीक। आगे आ जाइए विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब कहता है विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा क्या है, उष्मीय ऊर्जा तो हम लोग जान गए, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा क्या है, ठीक। तो कहता है कि उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एक ग्राम द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। अब कहता है विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा क्या है, ठीक, उष्मीय ऊर्जा तो जान गए, अब कहता कि विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा क्या है, ये भी तो जरूरी है। तो विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा वो होता है ना कि अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग उष्मीय ऊर्जा होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि टेबल है, इसको हमको जलाना हो, ठीक, ये कुर्सी है प्लास्टिक का, इसको अगर हमको जलाना हो तो इसके नीचे आग लगाएंगे तो कितना जलने लगेगा, नहीं नहीं, इसके पहले विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा तक पहुंचेगा, उससे अगर ज्यादा होगा तभी जलना स्टार्ट होगा, ठीक। पन्नीक है, पन्नीक को जलाते हैं देखिए माचिस मारते तुरंत जल जाता, काहे उसका विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा कम है, अगर उससे ज्यादा हम दिए तो जल जाएगा, तो सबका बोर्ड है टेबल है सबका अलग अलग विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा होता है, तो कहता है कि उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एक ग्राम द्रव्यमान का ताप एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। कोई पदार्थ है उसका कोई एक ग्राम, चलिए कहता कि मान लीजिए कि कुछ जलाना हो, अब 100 ग्राम लकड़ी जलाना है,
उसके लिए कम उष्मा ऊर्जा लगेगा जी, और एक केजी लकड़ी जलाना है, ज़्यादा दो केजी जलाना है, ठीक है ना। तो वही कहता है कि उसमें क्वांटिटी पर जितना ज़्यादा वो रहेगा हैवी, तो कहता है उसमें की वह मात्रा जो किसी प्रकार के एक ग्राम द्रव्यमान का था, एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है उसका, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आगे जाइए, आगे क्या है तीसरा, संवेदी उष्मा। संवेदी उष्मा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंसेबल हीट। ठीक, तो संवेदी उष्मा क्या हुआ, कहता वह उष्मा जो वस्तु में तापमान में परिवर्तन का कारण बनता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी उष्मा। संवेदी उष्मा मतलब वह उष्मा जो किसी वस्तु में क्या होता है, उसके तापमान में परिवर्तन का कारण होता है, यानी कि उसमें पहले जो तापमान है और बाद में जो तापमान हुआ, तो अगर तापमान चेंज हुआ तो जिसके कारण तापमान चेंज हुआ वो क्या हुआ, संवेदी उष्मा हो गया। ठीक, तो ये कहता है कि वह उष्मा जो वस्तु में तापमान परिवर्तन का कारण बनती है उसे क्या कहते हैं, संवेदी उष्मा कहते हैं। संवेदी उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, यम सी डेल टी, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, क्योंकि उष्मा का मात्रक ही क्या होता है, जूल, उष्मा ऊर्जा का मात्रक दोनों सेम होता है, जूल। ठीक, तो कहते हैं संवेदी उष्मा बराबर यम सी डेल टी, जहां यम बराबर क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है कि कितना कितना केजी का है, दो केजी का है, पांच केजी का, दस केजी का, ठीक ना, तो वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक, और सी बराबर क्या है, उष्मा धारिता है, कोई भी वस्तु है तभी हम क्या बताए थे कि उसका एक स्पेशल विशिष्ट उष्मा होता है, ठीक ना, स्पेसिफिक हीट होता है, एक अलग उष्मा धारिता होता है, ठीक ना, तो ही सी बराबर क्या हो जाएगा, उसका उष्मा धारिता, और डेल्टी बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। ठीक, कि पहले कितना तापमान था अब कितना तापमान है, ठीक, तो उसके जो टेम्परेचर तापमान में जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा, संवेदी उष्मा। ठीक, इसी के कारण उसके क्या होगा, तापमान में चेंज होगा, तो कहता वह उष्मा जो वस्तु में तापमान में परिवर्तन का कारण बनती है उसे क्या कहते हैं, संवेदी उष्मा कहते हैं। ठीक, अब आगे होगा गुप्त उष्मा। ठीक, बताते हैं लास्ट बचा है गुप्त उष्मा। ठीक, तो गुप्त उष्मा क्या होता है, गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट। तो कहते गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो कहते किसी वस्तु का, कोई वस्तु का बिना ताप बदले, ठीक ना, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, किसी वस्तु का बिना ताप बदले उसके अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो भी आवश्यक उष्मा की आवश्यकता पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। ठीक, जैसे बर्फ का गुप्त उष्मा कितना होता है, 80 किलो कैलोरी। ठीक, तो ये कहता है कि अब क्या करते हैं कि उसके हम तापमान में परिवर्तन नहीं किए, ठीक, उसका तापमान हम नहीं बदले, लेकिन उसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, पानी क्या हो गया, बर्फ बन गया। ठीक ना, तो क्या होगा, जब बर्फ, बर्फ क्या है, बर्फ पानी बन गया, ठीक ना, तो उसके क्या होता है कि जब बर्फ जब गलता है, जब उसका अपना अपना शेप लेता है, ठीक ना, जैसे मान लो कि चौकोर है, उसका कुछ और ज़्यादा दूसरा डिजाइन हो जाए, ठीक ना, तो क्या हुआ, उसके उष्मा परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बर्फ है ना, बर्फ को तुम कुछ बनाओ जैसा शेप दे दो उसमें वो जम जाएगा, तो उसके उष्मा में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, अब अवस्था क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक, तो ये कहता कि किसी वस्तु का क्या करें, तापमान नहीं बदले, तापमान वही रहे, लेकिन उसका क्या करे, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी कि पानी से बर्फ बन जाए, बर्फ से बाष्प बन जाए। ठीक,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि गुप्त उष्मा उसका कहते हैं। गुप्त उष्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गुप्त उष्मा लेटेंट हीट बराबर क्या होता है, एम गुने यल। ठीक, गुप्त उष्मा बराबर एम गुने यल, जहां एम क्या होता है मास, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और यल क्या होता है विशिष्ट उष्मा। ठीक, उस वस्तु का उस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा क्या है। ठीक, और यम बराबर वस्तु का द्रव्यमान, ये दोनों का गुणनफल क्या होता है गुप्त उष्मा। किसी वस्तु का अगर इस दोनों को गुणनफल निकाल देंगे, किसी वस्तु का विशिष्ट उष्मा और उसका द्रव्यमान का अगर गुणनफल निकाल देंगे तो क्या आएगा, विशिष्ट गुप्त उष्मा। ठीक, चलिए, तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.186 जूल होता है। ठीक, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक, और एक किलो वाट आवर बराबर कितना होता है 860 किलो कैलोरी। ठीक, एक किलो वाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी, और एक जूल बराबर 0.2387 कैलोरी होता है। ठीक, एक जूल बराबर 0.2387 क्या होता है कैलोरी। ठीक, तो गुप्त उष्मा समझ गए, गुप्त उष्मा क्या हुआ, किसी वस्तु का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसका अवस्था में परिवर्तन कर दो हो जाए। ठीक ना, तो उस उष्मा को हम लोग क्या करते हैं, ये काम करे के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता पड़ता है। ठीक ना, या फिर यह कह सकते हैं कि वह नियत उष्मा, ठीक ना, जिस पर किसी वस्तु के ताप में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु की गुप्त उष्मा। ठीक, चलिए आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। ठीक, बाकी आगे और जो वीडियो है अब आगे बताएंगे विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।